Hi guys, this is me, Kritika Sharma Makeovers. Welcome back to my YouTube channel. आज मैं आपके लिए लेकर आ रही हूँ एक बहुत ही अच्छी वीडियो जिसके अंदर मैं अपना सीक्रेट आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि मैं अपने स्किन का ध्यान कैसे रखती हूँ और क्या चीज़ें अपने स्किन पे अप्लाई करती हूँ. तो ये जो रेमेडी है, इट्स अ होम रेमेडी आपकी स्किन को लाइटन करने के लिए, ग्लो करने के लिए, रेडिएंट करने के लिए. आप अपने स्किन का कैसे ख्याल रख सकते हैं उस बारे में आज हम बात करेंगे. और एक छोटा सा सीक्रेट है और एक छोटी सी वो मास्क बनाने के लिए आपको घर के अंदर ही सारी चीज़ें मिल जाएंगी. सिर्फ दो चीज़ें हैं जो बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं जो हर एक के घर में आराम से मिल जाती है. तो करें फिर वो वीडियो स्टार्ट, मैं अपना सीक्रेट आप लोगों के साथ शेयर करूं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. इस रेमेडी के अंदर हमें दो चीजें चाहिए. सबसे पहली दूध, और उसके बाद हमें चाहिए हल्दी. अब मैं आपको बता देती हूँ, दूध जो है वो आपको बॉयल मिल्क लेना है, कच्चा दूध नहीं लेना है. अगर आपके घर में दूध है और पैकेट वाला दूध अगर आप लोग लेते हो या कोई भी दूध आप लेते हो, तो आप उसको पहले बॉयल कर लें और उसको ठंडा होने दें, उसके बाद आप ये दूध ले लें. तो मेरे पास एक बाउल है जो मेरा बहुत ही ब्यूटीफुल ये बाउल है और ये मुझे मेरी शादी पे मिला था. ओके, तो मैं अब इसमें मिल्क डालूंगी 4 स्पून्स. फोर स्पून मैंने इसमें मिल्क डाला है. आई थिंक इतना मेरे फेस के लिए काफी होगा. और इसमें मैं डालूंगी पिंच ऑफ हल्दी, बिल्कुल इतना सा मैं लूंगी, बिल्कुल पिंच आपको इसमें अप्लाई करना है. और आप याद रखिए कि इसका जो कलर है वो क्रीमी होना चाहिए, वो येलो नहीं होना चाहिए. और इसको आप अच्छे से मिक्स कर लें. जैसी भी हल्दी हो आपके घर में, हल्दी सबके घर पे होती है और उसको हम अपने खाने में इस्तेमाल करते हैं. और हल्दी के काफ़ी सारे फायदे होते हैं, जैसे कि आपने हर जगह देखा ही होगा और इससे पहले की भी काफ़ी वीडियोस में आपने देखा होगा. हल्दी जो है वो बहुत ही फायदेमंद होती है हमारी स्किन के लिए, हमारी बॉडी के लिए. तो हल्दी तो वैसे भी, हल्दी का इनटेक तो वैसे भी होना चाहिए. चलिए, तो ये हमारा मास्क जो है वो रेडी हो गया है. ये लिक्विड उसमें ही रहता है. और अब आप इसको अप्लाई करेंगे. इसका जो टेक्सचर है, अगर मैं आपको ठीक से दिखाऊं तो ये सिर्फ क्रीमी होना चाहिए, येलो में नहीं आना चाहिए. बहुत ज़्यादा हल्दी आपको नहीं लेनी है. और ये हमारा मास्क जो है वो रेडी हो चुका है. इसके अंदर मैंने सिर्फ दो ही चीज़ें मिक्स करी हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया. पहला था बॉयल मिल्क और दूसरा अ पिंच ऑफ हल्दी. और ये मेरा ब्रश है और इससे मैं अपने, इसकी हेल्प से मैं अपने पूरे फेस पे इसको अप्लाई कर लूंगी लिक्विड को. तो अभी मैंने ये सब कुछ अप्लाई कर लिया है एंड वी हैव 5 मिनट्स का टाइम. इस 5 मिनट के अंदर मैं आपको फटाफट से बता देती हूँ कि इस मास्क के क्या क्या बेनिफिट्स हैं. हम इसके अंदर दो चीज़ें अप्लाई कर रहे हैं, वो है टर्मरिक जो कि हल्दी और दूध मिल्क. वो ये दो चीज़ें हम अपने फेस पे अप्लाई कर रहे हैं और इन दोनों के बेनिफिट्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं हमारे फेस के लिए. हल्दी अप्लाई करने से जिसके फेस पे एक्ने स्कार्स हैं या कोई किसी भी तरीके के स्कार्स हैं वो रिड्यूस होते हैं. और आप दूध के बारे में तो जानते ही हैं, दूध के अंदर लैक्टिक एसिड होता है जो हमारी स्किन को बहुत स्मूथ, बहुत सफल और बहुत ही हाइड्रेट हमारी स्किन को रखता है. तो ये दोनों चीज़ें अप्लाई करने से हमारी
स्किन में काफ़ी सारे फायदे होते हैं। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, ये जो मास्क है वो आपको शाम को यूज़ करना है, इसको दिन में नहीं यूज़ करना है बिल्कुल भी। आप ये मास्क अप्लाई करने के बाद आप इसको, आप अपने घर से बाहर ना जाएं, डे लाइट में आप ना जाएं, मतलब सूरज की रोशनी के नीचे आप ना जाएं। तो ये मास्क आप रोज़ अप्लाई कर सकते हैं और इवनिंग में ही इसको अप्लाई करें, ठीक है। और अब होते हैं हमारे 5 मिनट पूरे। अब मैं जाऊंगी अपना फेस जो है वो नॉर्मल वाटर से वॉश करूंगी और आपको दिखाऊंगी कि बिफ़ोर एंड आफ्टर का क्या इफ़ेक्ट आया। गाइस, ये कोई मैजिक नहीं है कि मैंने अभी अप्लाई किया और तुरंत आपको इसका इफ़ेक्ट दिखाई दे जाए। आपको इसको एटलीस्ट 10 से 15 डेज आपको अपने फेस पर रोज़ अप्लाई करना है, तो ही आपको इसका इफ़ेक्ट धीरे 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 दिखने लगेगा। और इससे इस मास्क के कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, तो आप इसको ज़रूर अप्लाई करें और मुझे बताएं कि क्या आपको कितना इस मास्क से कितना फ़र्क पड़ा। अच्छा, अब मैं जाती हूँ और अपना फेस जो है वॉश करके आती हूँ। अभी मैंने अपना फेस वॉश कर लिया है और अब लगाऊंगी मैं अपनी नाइट क्रीम विच इज फ्रॉम सेंट बोटानिका। ये मेरी नाइट क्रीम है, इसके अंदर विटामिन सी है और हाइड्रोलिक एसिड है। और ये क्रीम मैं अब अप्लाई करूंगी। आप अपनी जो भी आपकी स्किन पे जो भी क्रीम आप अप्लाई करते हो नाइट में, वही क्रीम आप अप्लाई कर लीजिए। ये जो है ये मेरा फेस मसाजर है, ये मैं रोज़ अप्लाई करती हूँ सोने से पहले, इसको मैं ज़रूर इस्तेमाल करती हूँ। हमारी स्किन को जो है इसको ये अच्छी शेप में रखता है। देखा आप लोगों ने मेरे फेस का क्लोजअप, मेरी स्किन कितनी हाइड्रेट और बहुत ही अच्छा, मुझे खुद को बहुत अच्छा फील हो रहा है। मेरी स्किन बहुत ही सॉफ्ट, स्मूथ और बहुत ही हाइड्रेट लग रही है। तो ये मास्क आप भी ज़रूर अप्लाई करें, इससे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। और आप भी इसको अप्लाई करके देखें, अगर आपको कोई भी फ़र्क पड़ता है इस वीडियो को देखने के बाद अपने फेस पे, तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें इस वीडियो के नीचे और मुझे ज़रूर बताएं कि कैसा रिज़ल्ट रहा। और सब चीज़ें मेरे साथ शेयर करें और कुछ भी अगर पूछना हो इस वीडियो के बारे में तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आप लोगों को रिप्लाई ज़रूर करूँगी। और पूरी कोशिश करूँगी कि ऐसी बहुत सी अच्छी अच्छी और छोटे छोटे सीक्रेट्स जो बहुत ही बेसिक होम रेमेडीज़ हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं, जिसमें ज़्यादा अभी लॉकडाउन का पूरा सिनेरियो चल रहा है, जिसमें ज़्यादा ना खर्चे हों और घर के अंदर ही चीज़ें हों, और उन्हीं चीज़ों से मैं आपके साथ अपनी होम रेमेडीज़ जो है वो शेयर करती रहूं। सो थैंक यू गाइस, प्लीज़ कीप वॉचिंग द वीडियोज़, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, थैंक यू सो मच। और मैं आप लोगों से फिर से जल्दी मिलूँगी। और इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें वीडियो को और कमेंट करें, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द हिट बटन, ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि मैं और मेरा वीडियो आ चुका है। सो गाइस, सी यू सून, बाय, टेक केयर।